नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी कुमारी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज़। कोविड अपडेट लेकर मैं हूँ हाजिर। 655 आज जम्मू कश्मीर में नए कोरोना वायरस के केसेस पॉजिटिव आज सामने आए हैं, जिनमें से 158 जो है वो जम्मू डिवीजन से आज केसेस आए हैं। इसके अलावा 497 जो है वो कश्मीर डिवीजन से आज टोटल कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। इसी के साथ ही आज टोटल दिन भर में जम्मू कश्मीर में 14 मौतें भी हो चुकी हैं, जिनमें से जो 3 मौतें हैं वो जम्मू डिवीज़न से हैं, वहीं 11 मौतें जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से आज के दिन में हुई हैं। लेकिन रिकवरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आज एक अच्छी रिकवरीज जो है वो रिकॉर्ड हुई हैं जम्मू कश्मीर में। आज रिकवरीज 528 रिकवरीज आज हुई हैं, यानी कि 528 लोग, 528 लोग आज के दिन में ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं जम्मू और कश्मीर से। और इनमें से 89 जो हैं वो लोग जम्मू डिवीज़न से डिस्चार्ज हुए हैं, वहीं 439 लोग जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से आज के दिन में ठीक हो चुके हैं, अपने घरों में पहुंच चुके हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूँ टोटल की, तो आज के दिन अभी तक जो कोविड-19 के अपडेट जब से हम आपको दे रहे हैं तब से लेके अब तक 35,135 केसेस टोटल अब रिकॉर्ड हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, जिनमें से कश्मीर में 27,369 हैं टोटल, और 7,766 जो हैं वो टोटल केसेस अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं जम्मू डिवीज़न से। लेकिन अगर एक्टिव केसेस की बात करूं तो 7,743 जो हैं अभी भी जम्मू कश्मीर में टोटल एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो आज के दिन में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में से, सबसे ज़्यादा कश्मीर में से आए हैं। 497 टोटल आज केसेस आए हैं। और अगर बात करूं डिस्ट्रिक्ट वाइज तो जम्मू जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 182 केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं कश्मीर घाटी से देखने को मिलते हैं। तो आज के दिन में भी 182 टोटल नए कोरोना वायरस के केसेस श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से आज आए हैं। 171 में से लोकल बताए जा रहे हैं, वहीं 11 केसेस जो हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से जो हैं वो ट्रेवलर्स के बताए जा रहे हैं। अभी भी एक्टिव केसेस की संख्या जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अभी भी 1,626 टोटल देखने को मिल रही है। 103 रिकवरीज हालांकि आज के दिन में हुई हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से, अच्छी रिकवरीज आज के दिन जो है वो देखने को मिली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। साथ ही में अभी तक 6,896 टोटल रिकवरीज भी हो चुकी हैं, वहीं 213 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है कोविड-19 के चलते श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। बारामूला की अगर मैं बात करूं तो बारामूला में आज टोटल 33 केसेस देखने को मिले हैं, जिनमें से 32 केसेस जो हैं वो लोकल के हैं, एक जो है वो ट्रैवलर है। लेकिन अभी भी 547 लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी इन्फेक्टेड हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। वहीं 20 आज के दिन में रिकवरीज, एक ही दिन में 20 रिकवरीज आज बारामूला से हुई हैं। इसी के साथ ही 99 लोगों की मृत्यु भी कोविड-19 के चलते बारामूला से अभी तक हो चुकी है। साथ ही में पुलवामा में आज 42 टोटल नए केसेस सामने आए हैं, और इनमें से 38 जो हैं वो लोकल बताए जा रहे हैं, वहीं 4 जो हैं वो पुलवामा से ट्रेवलर बताए जा रहे हैं। आज के दिन में 44 टोटल रिकवरीज जो हैं वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हुई हैं, लेकिन अभी भी 470 ऐसे इन्फेक्टेड लोग हैं जो अभी भी ठीक नहीं हुए, अभी भी रिकवर नहीं हुए। तो 470 अभी भी एक्टिव पॉजिटिव केसेस देखने को मिल रहे हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से। इसी के साथ ही 48 लोगों की मौत भी कोविड-19 की वजह से अभी तक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हो चुकी है। साथ ही में बडगाम में आज 60 टोटल नए केसेस देखने को मिले हैं कोरोना वायरस के, और 57 इनमें से जो हैं वो लोकल हैं, 3 इनमें से जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं। इसी के साथ ही आज 31 रिकवरीज बडगाम डिस्ट्रिक्ट से आज हुई हैं, लेकिन अभी भी 627 लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी इन्फेक्टेड हैं। 57 लोगों ने अपनी जान अभी तक बडगाम डिस्ट्रिक्ट से गंवा दी है। अनंतनाग में भी आज 27 नए केसेस देखने को मिले हैं, इसके अलावा 12 रिकवरीज भी आज के दिन में अनंतनाग में हुई हैं, और अभी भी 500 लोग ऐसे हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से जो अभी भी ठीक नहीं हुए, अभी भी उनका इलाज जो है वो अस्पतालों में चल रहा है, और उम्मीद है जल्द से जल्द वो भी ठीक हो जाएंगे। 48 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान अभी तक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से गंवा दी है इस कोविड के चलते। कुलगाम से भी आज 8 टोटल केसेस देखने को मिले हैं, और 22 रिकवरीज एक दिन में आज के दिन में हो चुकी हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से, वहीं 220 जो हैं टोटल एक्टिव केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से। 33 जो लोगों की जान अभी तक जा चुकी है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से। शोपियां में आज टोटल 23 नए कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिले हैं, वहीं एक ही रिकवरी आज के दिन में हुई है शोपियां डिस्ट्रिक्ट से। 121 अभी भी एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं शोपियां डिस्ट्रिक्ट से। इसी के साथ ही टोटल 28 जो हैं
अभी तक लोगों ने अपनी जान जो है वो 28 लोगों ने अभी तक शोपियां डिस्ट्रिक्ट से गंवा दी है। कुपवाड़ा में भी आज टोटल जो है वो 46 टोटल नए केसेस आए हैं आज सामने, जिनमें से 42 जो हैं वो लोकल हैं, 4 उनमें से ट्रेवलर्स बताए जा रहे हैं। आज के दिन में कुपवाड़ा में अच्छी रिकवरीज हुई हैं, 50 एक ही दिन में आज के दिन में रिकवरीज हो चुकी हैं, और 619 अभी भी जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वो अभी भी वहाँ पर हैं, अभी भी 619 जो हैं वो एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। 45 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस कोविड के चलते कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। साथ ही में बांडीपुरा में आज टोटल 51 नए केसेस देखने को मिले हैं, और ये सभी केसेस जो हैं वो लोकल हैं, कोई भी इनमें से ट्रैवलर नहीं है। और बांडीपुरा में आज लेकिन अच्छी रिकवरीज जो हैं वो देखने को मिली हैं, 122 लोग जो हैं वो आज ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस की जो चपेट में आए थे वो लोग ठीक हो चुके हैं, अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो 122 आज के दिन में रिकवरीज हुई हैं। 719 अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी इन्फेक्टेड हैं कोरोना वायरस की वजह से। साथ ही में 24 लोगों ने अभी तक बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से अपनी जान जो है वो अभी तक गंवा दी है। गांधरबल में आज टोटल 25 केसेस आए हैं, और 25 के 25 केसेस जो हैं वो लोकल हैं। इसके अलावा 34 आज टोटल दिन में रिकवरीज हुई हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से। 577 जो हैं अभी भी एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं, वहीं 19 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से। कश्मीर डिवीजन की ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कश्मीर घाटी में आज 497 टोटल कोरोना वायरस के केसेस आए हैं, 466 जो हैं वो लोकल हैं, 31 जो हैं वो ट्रैवलर्स बताए जा रहे हैं, 439 अगर मैं बात करूं तो आज के दिन में रिकवरीज हुई हैं। अभी भी जो टोटल अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं केसेस कश्मीर डिवीजन से वो हैं 27,369, और उसी के साथ ही 6,025 जो हैं वो टोटल अभी भी एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं कश्मीर घाटी से। अभी भी जो रिकवरीज हो चुकी हैं टोटल वो है 20,730 अभी तक की रिकवरीज कश्मीर घाटी से हुई हैं। 614 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 के चलते। इसी के साथ जम्मू अगर डिवीज़न की बात करूं तो आज जम्मू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले हैं, 87 केसेस आज टोटल जम्मू डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिले हैं, इनमें से 68 जो हैं वो लोकल बताए जा रहे हैं, वहीं 19 जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बताए जा रहे हैं कि ये ट्रैवलर्स हैं। इसी के साथ ही 44 आज के दिन में रिकवरीज भी हुई हैं, और 786 जो टोटल आज देखने को मिल रहे हैं एक्टिव अभी तक के केसेस, 786 एक्टिव केसेस अभी भी जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। इसी के साथ 38 लोगों की जान भी अभी तक जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, और 1,824 अभी तक की टोटल रिकवरीज जम्मू डिस्ट्रिक्ट से रही हैं। इसी के साथ ही राजौरी की अगर बात करूं तो आज 7 टोटल केसेस राजौरी डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिले हैं, जिनमें से 3 लोग जो हैं वो लोकल बताए जा रहे हैं, वहीं 4 लोग जो हैं वो ट्रैवलर्स बताए जा रहे हैं। हालांकि आज के दिन में राजौरी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी रिकवरी जो है वो नहीं हुई है, लेकिन अभी भी 100 लोग ऐसे हैं जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट से अभी भी इन्फेक्टेड हैं, अभी भी वो ठीक नहीं हुए। 760 जो है अभी तक रिकवरीज टोटल जो है वो हो चुकी हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, वहीं 5 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है राजौरी डिस्ट्रिक्ट से। कठुआ में आज टोटल 25 केसेस देखने को मिले हैं, 21 इनमें से लोकल हैं, 4 इनमें से ट्रैवलर्स हैं, वहीं 1 आज के दिन में रिकवरी हुई है। 162 हैं अभी भी एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। 642 अभी तक की टोटल रिकवरीज कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हुई हैं, वहीं 3 लोगों की जान जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से अभी तक जा चुकी है। साथ ही में उधमपुर की बात करूं, 8 टोटल केसेस देखने को मिले हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, 4 लोकल हैं और 4 ही ट्रैवलर्स बताए जा रहे हैं। और साथ ही में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी आज कोई भी रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन अभी भी 123 ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी इन्फेक्टेड हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, और 635 अभी तक की टोटल रिकवरीज जो हैं वो काउंट हुई हैं। 2 लोगों की जो जान है वो जा चुकी है कोविड की वजह से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से भी। रामबन के लिए आज एक खुशखबरी ये कि रामबन में आज फिलहाल कोई भी कोरोना वायरस का केस जो है वो देखने को नहीं मिला है, तो एक अच्छी खबर है। इसी के साथ ही रिकवरी जो अगर रिकवरी की बात करूँ तो रिकवरी भी आज कोई केस किसी शख्स की जो है वो नहीं हुई है, ना ही कोई केस आज नया दर्ज हुआ है और ना ही किसी की रिकवरी आज के दिन में हुई है। इसी के साथ 23 जो है अब टोटल केसेस रह चुके हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट में, इसी और साथ ही में 1 शख्स की जो है वो जान अभी तक जा चुकी है कोरोना वायरस के चलते रामबन डिस्ट्रिक्ट से। सांबा की अगर बात करूं तो सांबा में आज के दिन में 11 टोटल नए केसेस देखने को मिले हैं, और उनमें से 9 केसेस जो हैं वो लोकल बताए जा रहे हैं, 2 ट्रैवलर्स बताए जा रहे हैं, और 25 रिकवरीज आज एक दिन में सांबा डिस्ट्रिक्ट से हुई हैं। 191 जो हैं वो टोटल अभी तक एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से। 2 लोगों की जान
जान जो है वो अभी तक कोविड की वजह से जा चुकी है सांबा डिस्ट्रिक्ट से। वहीं 489 टोटल रिकवरीज अभी तक हो चुकी हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से। डोडा की बात करूँ तो डोडा में आज टोटल 10 केसेस देखने को मिले हैं और ये 10 के 10 केसेस जो हैं वो लोकल लोग हैं, इनमें से ट्रेवलर्स कोई नहीं है। चार रिकवरीज जो हैं वो आज एक दिन में हुई हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से। 59 जो हैं वो अभी भी एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अभी भी वो लोग ठीक नहीं हुए, इन्फेक्टेड हैं। 59 लोग अभी भी एक्टिव केसेस हैं। उसके अलावा 2 जो हैं वो अभी तक डेथ्स हो चुकी हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से। 333 जो हैं टोटल रिकवरीज अभी तक डोडा डिस्ट्रिक्ट से हो चुकी हैं। पुंछ में आज 5 टोटल केसेस देखने को मिले हैं, 1 लोकल है, वहीं 4 जो हैं वो ट्रेवलर्स बताए जा रहे हैं। 8 केसेस जो हैं आज के दिन में रिकवर हो चुके हैं, ये अच्छी खबर है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट से भी आज 8 टोटल रिकवरीज हुई हैं। वहीं अभी भी 70 लोग ऐसे बाकी हैं जो कि अभी भी इन्फेक्टेड हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। 3 लोगों ने अपनी जान जो है वो अभी तक गंवा दी है इस कोविड के चलते पुंछ डिस्ट्रिक्ट से भी। रियासी में आज टोटल जो हैं 2 केसेस देखने को मिले हैं और ये दोनों जो हैं वो लोकल बताए जा रहे हैं, इनमें से ये दोनों जो हैं वो माफ़ कीजिएगा ट्रैवलर्स हैं, ये लोकल नहीं है, ये ट्रैवलर्स हैं। साथ ही में आज के दिन में 1 रिकवरी जो है वो हुई है रियासी डिस्ट्रिक्ट से और अभी भी 180 लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी ठीक नहीं हुए, अभी भी वो इन्फेक्टेड हैं। 182 टोटल अभी तक की रिकवरीज हुई हैं और रियासी से अभी तक किसी की जो मौत है वो नहीं हुई है। तो इसी के अलावा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी आज 3 केसेस देखने को मिले हैं, 2 जो हैं वो लोकल हैं, 1 जो है वो ट्रैवलर है। 24 टोटल केसेस अभी रह चुके हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी ठीक होने वाले, जो कि अभी ठीक नहीं हुए हैं। 24 इन्फेक्टेड केसेस अभी भी हैं। साथ ही में 6 लोग जो हैं वो एक दिन में आज के दिन में रिकवर हुए हैं। अभी तक 184 रिकवरीज टोटल हो चुकी हैं और 1 शख्स की अभी तक जान जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से अभी तक जा चुकी है। जम्मू डिवीज़न की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आज के दिन में 158 टोटल नए केसेस जम्मू डिवीज़न से आए हैं, 118 उनमें से जो हैं वो लोकल हैं, वहीं 40 केसेस जो हैं वो ट्रेवलर्स के हैं। साथ ही में अभी तक 7,766 केसेस टोटल रिपोर्ट किए गए हैं जम्मू डिवीज़न से और 1,718 केसेस जो हैं वो अभी भी उनमें से एक्टिव हैं। 89 आज के दिन में रिकवरीज हुई हैं और साथ ही में 5,991 जो हैं वो टोटल रिकवरीज अभी तक जम्मू डिवीज़न से हुई हैं। 57 लोगों ने अपनी जान जो है वो अभी तक जम्मू डिवीज़न से गंवा दी है। और अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो कि अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं, तो 4,48,697 लोगों को अभी तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया, 44,537 लोगों को अभी तक होम क्वारंटीन में रखा गया है। वहीं आइसोलेशन में जिन लोगों को रखा गया वो है 7,743। इसके अलावा सर्विलेंस पीरियड जिनका ख़त्म हो गया है वो है 3,52,018। होम सर्विलेंस में जिन लोगों को रखा गया है वो मैं आपको बता दूं 43,728 ऐसे लोग हैं। रिजल्ट्स जिनके अवेलेबल हैं 9,15,226 लोगों के अभी रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, इनमें से नेगेटिव 8,80,091 अभी तक ऐसे जो हैं वो रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। वहीं 35,135 जो टोटल केसेस हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से अभी भी एक्टिव केसेस जो हैं वो 7,743 हैं। साथ ही में रिकवरीज की अगर मैं बात करूं तो अभी भी रिकवर जो लोग हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में 26,721 टोटल रिकवरीज अभी तक जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं, जिनमें से 20,730 रिकवरीज कश्मीर घाटी से हुई हैं, 5,991 रिकवरीज जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से हुई हैं। टोटल जो हैं अभी भी एक्टिव केसेज 7,743 जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर से अभी भी देखने को मिल रहे हैं। 6,025 जो हैं वो अभी भी कश्मीर घाटी से एक्टिव हैं और 1,718 जो हैं वो अभी भी जम्मू डिवीज़न से एक्टिव केसेस हैं। 671 टोटल मौतें अभी तक जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं और 614 जो हैं वो इनमें से कश्मीर घाटी से हैं और 57 जो मौतें हुई हैं वो जम्मू डिवीज़न से अभी तक हुई हैं। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ पूरे भारत की, तो भारत में भी केसेस की संख्या जो है वो देखने को मिल रही है बढ़ती हुई। तो अभी भारत में भी 33 लाख का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है और साथ ही में हाईएस्ट मार्क जो देखने को मिला है वो फ्रेश केसेस जो भी आए हैं वो हाईएस्ट मार्क देखने को मिला है, 75,760 टोटल फ्रेश केसेस देखने को आज जो है वो मिले हैं और 1,023 मौतें जो हैं वो पिछले 24 घंटों में अभी तक हो चुकी हैं। इसी के साथ ही अभी पूरे देश भर में 7,25,991 अभी भी एक्टिव केसेस हैं, वहीं 25,23,772 जो हैं वो टोटल लोग जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी तक मृत्यु
मृत्यु जिन लोगों की पूरे भारत से हो चुकी हैं उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। 60,472 मौतें अभी तक जो हैं वो पूरे भारत से हो चुकी हैं। तो फिलहाल ये था आज का डाटा, तो आपको बता दिया कि किस तरीके से कश्मीर में भी और जम्मू में भी केसेस बढ़ रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं, लेकिन आपसे बस इतनी सी गुजारिश कि आप अपना ध्यान जो है वो बिल्कुल अच्छे से रखें, प्रिकॉशंस लें और पूरे SOPs को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहे स्ट्रेट लाइन न्यूज़।